सुप्रभात सभी को। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्ययन जरूरी है तथा बुद्धिमानी प्राप्त करने के लिए अध्ययन का समझ लेना जरूरी है। इसी सुविचार के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे। छात्रों, आप सुबह कितने बजे उठते हैं? हमने पिछले पाठ में यह एक्टिविटी क्रियाकलाप किया था। आप कितने बजे उठते हैं, कितने बजे सोते हैं, कब भोजन करते हैं, कब पढ़ाई करते हैं? हाँ, तो बताओ आप कितने बजे उठते हो? हाँ, सुबह 6 बजे आप उठ जाते हैं। उसके बाद आप क्या करते हो? हाँ, आप ब्रश करते हो। उसके बाद आप स्नान करते हो, है ना? तो ये सब क्या है? अच्छी आदतें, है ना? गुड हैबिट्स। तो इसी आधार पर हमारा नया लेसन है, बंटी बदल गया। मगर वो कैसे बदल गया, क्या हुआ, किसने उसे बताया अच्छी आदतों के बारे में, ये हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सब अपनी अपनी पाठ्यपुस्तिका निकालेंगे, पन्ना क्रमांक 25, पाठ है, पाठ्यक्रमांक 3, बंटी बदल गया। देखो, यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है बताओ तो? यहाँ क्या है, एक लड़की अपनी माँ की सहायता से बाल बना रही है और एक लड़की है जो खुद ही अपने बाल बना रही है। तो इसमें से कौन अच्छी है? अच्छी आदत किसको है? इस लड़की को, जो खुद का काम खुद कर रही है। यहाँ भी दो चित्र हैं, एक लड़का बस के पीछे भाग रहा है। कौन सी बस है ये? हाँ, ये स्कूल बस है, शायद इसकी बस छूट गई होगी, ये समय पर तैयार नहीं हुआ होगा क्योंकि सुबह ये जल्दी नहीं उठा होगा। और यहाँ दिख रहा है दो लड़कियां स्कूल के तरफ जा रही है, यानी इसमें से अच्छी आदत किसको है? वक्त पर स्कूल में जाने की आदत ये दो लड़कियों को है। इस तरह आपको समझ में आया इसमें अच्छी आदत किसको है? और शायद आपकी स्कूल बस कभी छूटी है? आप कभी स्कूल बस के पीछे भागे हैं? नहीं, क्योंकि आप सब क्या हो? अच्छे बच्चे हो, समय पर उठते हो, समय पर तैयार होते हो, है ना? हाँ, तो अब हम इस पाठ की ओर बढ़ेंगे। देखो छात्रों, इस चित्र में बंटी और उसकी मम्मी दिखाई दे रहे हैं। बंटी अपना सामान सही जगह पर नहीं रखता था। इस लापरवाही के कारण वह अक्सर देर से विद्यालय पहुंचता था। फिर एक दिन ऐसा क्या हुआ कि बंटी बिल्कुल बदल गया, यही हम इस पाठ में देखेंगे। सब अपनी अपनी पाठ्यपुस्तिका पन्ना क्रमांक 26 निकालो।